हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रभास मिश्रा पर। दोस्तों, यदि हम लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में बरौनी जंक्शन पर आने वाली ट्रेनों की बात करें तो ट्रेनों की संख्या में काफ़ी कमी हुई है और खासकर पैसेंजर ट्रेनों में। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है, वह है बरौनी जंक्शन से ऑरिजिनेट होने वाली ट्रेनों की। दोस्तों, लॉकडाउन से पहले सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें ही बरौनी जंक्शन से ऑरिजिनेट होती थी, यानी कि चलती थी। यहाँ पर जो अधिकतर ट्रेनें थी वे दूसरे राज्यों या दूसरे शहरों से आती थी और उसके बाद बरौनी के यात्री उसमें बैठ के यात्रा करते थे। लेकिन लॉकडाउन के बाद सब कुछ बदल गया। अवध एक्सप्रेस चली गई बरौनी, जिस कारण से मुंबई की एक डेली ट्रेन मिल गई और साथ ही साथ अब यहाँ पे रेलवे ने एक और डेली ट्रेन देने का फैसला किया है, जो कि आज के ही दिन से चालू होने जा रही है। हालांकि आज ये ट्रेन बरौनी से नहीं चलेगी, आज ये ट्रेन दूसरी साइड से चलेगी, लेकिन परसों ये ट्रेन बरौनी आ जाएगी और परसों से इसका चलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि ये कौन सी ट्रेन है, कहाँ से कहाँ तक के लिए जाएगी, रूट, टाइमिंग, सारी चीज़ें पूरी डिटेल के साथ। दोस्तों, इससे पहले कि वीडियो सब्सक्राइब करूँ, मेरा आपसे आग्रह, यदि भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर बताएं। और कोई भी शिकायत आपका है तो आप इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जिसका लिंक सुनने दिया हुआ है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि हम इस ट्रेन के मूल नंबर की बात करें, यानी कि इस ट्रेन का लॉकडाउन के बाद नया नंबर क्या होगा, तो इसका नंबर होगा 1948384। अभी ये ट्रेन 0948384 बन के चलेगी। दोस्तों, ये ट्रेन अहमदाबाद से बरौनी के बीच चलने वाली है और आज पहली बार ये ट्रेन अहमदाबाद से निकलेगी। और दोस्तों, आज से ठीक दो दिन बाद यानी 3 मार्च को यह ट्रेन पहली बार बरौनी जंक्शन से खुलेगी। इस ट्रेन में टोटल 21 डब्बे होंगे, जो कि LHB होंगे। इसमें सेकेंड एसी का 1, थर्ड एसी के 4 और वहीं स्लीपर क्लास के 10, सामान्य के 3, ब्रेकयान के 1, पावर कार का 1 और पेंट्री कार का 1 डब्बा होगा। कुल इस ट्रेन में 21 डब्बे होंगे। और यदि हम इसके रूट और टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन अहमदाबाद से चलेगी रात के 12:25 पे। उसके बाद ये ट्रेन आनंद वडोदरा होते हुए सूरत पहुंचेगी 4:38 और 4:43 में वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद ये ट्रेन विभिन्न रेलवे स्टेशन से कि इटारसी, हबीबगंज, ललितपुर, टीकागढ़, खड़गपुर, महाराजा, छत्रसाल, छतरपुर, खजुराहो, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, छक्की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए बरौनी पहुंचेगी 6:40 में अगले दिन। दोस्तों, वापसी में ट्रेन बरौनी से रात के करीब 7:30 खुलेगी। और दोस्तों, उसके बाद ट्रेन समस्तीपुर होते हुए मुजफ्फरपुर रात के करीब 10 बजे पहुँचेगी और 10:05 में वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद ये ट्रेन विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर होते हुए सूरत पहुँचेगी अगले दिन 8:50 सुबह में, 8:55 में वहाँ से निकल जाएगी। उसके बाद ये ट्रेन अहमदाबाद 12:40 में पहुंच जाएगी। दोस्तों, यही वो नई ट्रेन है जो कि आज से चालू हुई है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फ्रेक नेम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।